हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो अगर मेरा कैलकुलेन सही है तो मुझे लगता है कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आज तक कम से कम वन थाउजेंड वीडियोज़ तो बनाए होंगे डेटा साइंस के टॉपिक पर अब अगर आप इस चैनल को क्लोज़ली फॉलो करते हो तो शायद आपको पता होगा कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ इन डेप्थ वीडियोज़ बनाना मेरे कोई भी वीडियो को आप उठा लो और आप नोटिस करोगे कि मैं काफ़ी टाइम ले करके उसको बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश करता हूँ अब अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के इन डेप्थ वीडियोज़ बनाने के लिए ना आपको बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और नॉलेज के लिए आपको चाहिए होते हैं अच्छे रिसोर्सेज अब अच्छी बात यह है कि हम लोग प्री इंटरनेट एरा में नहीं जी रहे जहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ बुक्स होता था द गुड थिंग इज़ कि इंटरनेट पे आज की रेट में डेटा साइंस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और एज अ बिगनर क्या होगा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन सा रिसोर्स ज़्यादा अच्छा है कौन सा रिसोर्स कम अच्छा है तो इस वीडियो में मैंने क्या सोचा है कि ये जो मैंने पिछले चार सालों में हज़ार वीडियोस बनाने के प्रोसेस में खूब सारे रिसोर्सेज़ एक्सप्लोर किए मैं उनमें से टॉप रिसोर्सेज जिनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने लर्निंग के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ठीक है तो इन टोटल मैं आपके साथ आठ रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ ये सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे हिसाब से टॉप क्वालिटी रिसोर्सेज हैं और मुझे लगता है कि अगर आप इनको अपने लर्निंग में इंक्लूड कर लो तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा अपने कंपेटिटर्स के सामने ठीक है तो आ, कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा नहीं है कि पहला रिसोर्स ज़्यादा अच्छा होगा लास्ट वाला रिसोर्स थोड़ा कम है ये सारे रिसोर्सेज अलग अलग एरियाज़ को केटर करते हैं तो एक एक करके

खान अकेडमी को कहाँ यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ सो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में आपको मैथ्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है स्पेशली स्टेटिस्टिक्स लीनेर डलजब्रा और कैलकुलस की तो खान अकेडमी में क्या है कि आपके पास बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एन का इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास का पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर्ड है तो मैंने जब डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था अराउंड पाँच छः साल पहले तो मैंने तब खान अकेडमी पे जा के पहली बार ये लेक्चर्स देखे थे सलमान खान का स्टाइल क्या है कि वो कोई भी एक टॉपिक को लेते हैं और फिर उस टॉपिक के ऊपर बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले करके विदाउट कोई एजम्पन लिए पूरा एंड टू एंड करके दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है ना उसको वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट या डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाता है तो अच्छी बात यह है खान अकेडमी की वेबसाइट की ये वीडियो सारे के सारे इनके यूट्यूब चैनल पर भी है बट यहाँ पर इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है तो अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हो जस्ट कम टू खान अकेडमी ओपन क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस या फिर क्लास इलेवेंथ का सिलेबस और यहाँ से आप अपने फेवरेट टॉपिक्स पे जाओ और जाकर के उनके लेक्चर्स देख सकते हो द बेस्ट पार्ट इज इट्स फ्री आपको कोई पैसा नहीं देना इट्स फ्री एजुकेशन सो या नंबर वन पे है खान अकेडमी लेट्स मूव ऑन टू रिसोर्स नंबर टू अगेन रिसोर्स नंबर टू इज समथिंग जो शायद आपने सुन ही रखा होगा एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है थ्री ब्लू वन ब्राउन Grant Sanderson is the creator of this channel, or this is like a maths-heavy YouTube channel. And uh, यहाँ पर जो videos आपको मिलेंगे ना, वो जरूरी नहीं है कि बहुत basics के ऊपर हूँ। कई बार बहुत advanced topics पे भी यहाँ पे videos मिलेंगे। But the best part about this channel is the animation. Uh, ये जो बंदा है, ये सारे के सारे animations खुद से hand code करता है using Python. Uh, और you can just see कितना beautifully पूरे के पूरे बनते हैं और किस तरीके से होते हैं। मैंने इस को पहली बारजबरा मैं uh, 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 मैंने जितना भी लीनियर एलजब्रा सीखा है डेटा साइंस के लिए उसमें से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन मैंने इस चैनल से सीखा है मेरे को याद भी नहीं है ये प्लेलिस्ट मैंने कितनी बार देखी होगी अः uh, ये माइंड यू ये प्लेलिस्ट आसान नहीं है मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे बट अगर आप बार बार इन वीडियोस को देखोगे ना तो बिकॉज ऑफ द एनिमेशन ना ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाके एकदम बैठ जाते हैं तो आई वुड रिकमेंड टू प्ले लिस्ट वन इज एसेंस ऑफ लीनर एल एंड सेकेंड इज एसेंस ऑफ कैलकुलस ये दोनों प्ले लिस्ट लाइक लेजेंडरी कैटेगरी में है और इसके अलावा इफ यू आर लाइक लर्निंग डीप लर्निंग तो देर इज अनदर प्ले लिस्ट बाय द नेम ऑफ deep learning इसमें शायद तीन चार वीडियोस हैं तो इफ यू आर अ बिगनर आप ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो तो दिस इज माय सेकंड रिसोर्स जो मैं बहुत बार जा करके फॉलो करता हूं नंबर थ्री पर एक और यूट्यूब चैनल है जो थोड़ा अंडररेटेड है अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के सब्सक्राइबर से भी कम है जो कि देख के मेरे को बहुत ही खराब लगता है सो uh, so, दुनिया के सबसे डिफिकल्ट मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को यह बंदा उठाता है और इतने सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता है ना कि आपका दिमाग एकदम आपके होश उठ जाएंगे कि यार कोई इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इतने आसानी से कैसे समझा सकता है मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं मैकेनिज्म uh, like पे उसके पहले न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर एंड ईच टाइम आई वाज लाइक वाओ ये बंदा गिफ्टेड टीचर है और इसको कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना आता है आज भी अगर मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक मेरे को आता है मेरे सामने और मुझे पढ़ना है उसके बारे में तो मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ कि क्या लुइस सिरानो का कोई वीडियो अवेलेबल है या नहीं तो दिस इज अ ग्रेट यूट्यूब चैनल अगर आपने आज तक इस चैनल के बारे में नहीं सुना है ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग ऑन समथिंग जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इट्स क्रेजी ठीक है लेट्स मूव ऑन टू दिसोर्स फोर्थ रिसोर्स इज एक्चुअली नॉट अ रिसोर्स एक्चुअली इट्स बेसिकली समथिंग जो मैंने रिसेंटली अक्वायर किया है So, आपको बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग में ज्ञान देते रहेंगे कि यार कभी भी अच्छे से सीखना है कोई टॉपिक ना तो उसका रिसर्च पेपर पढ़ो अब मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ रिसर्च पेपर्स का स्पेशली जब शुरू में मैं मशीन लर्निंग पढ़ता था तो मुझे रिसर्च पेपर्स बहुत डिफिकल्ट लगते थे क्योंकि बहुत ड्राई सा लैंग्वेज होता है बहुत डिफिकल्ट से सिंबल्स होते हैं तो मुझे समझ में थोड़ा कम आता था आप sure आप लोगों लोगों में 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 से भी बहुत लोगों को ये problem होती होगी कि कि आपके मन में है ये शिद्दत कि आप जाके पढ़ना चाहते हो रिसर्च पेपर, बट फिर समझ में ही नहीं आता बट पिछले एक साल में ना ये थोड़ा सा चेंज हुआ है जब से आया ना तब से मैं चैट जीपीटी प्लस रिसर्च पेपर का कॉम्बिनेशन बहुत यूज करने लगा हूँ स्पेशली जब से मैंने अपना डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया आ, मेरे दिमाग में था कि मेरे को बेस्ट कॉन्टेंट डिलीवर करना है तो फिर मैंने चार्ट जीपी के हेल्प से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किया एंड रिसर्च पेपर पढ़ना इज लाइक अक्वायर्ड टेस्ट आपको पहली बार में उतना भाएगा नहीं दूसरी बार में नहीं भाएगा बट धीरे धीरे अगर आप 20-25 रिसर्च पेपर्स पढ़ जाते हो ना उसके बाद आपको आसान लगने लगता है रिसर्च पेपर पढ़ना तो दिस इज वन रिसोर्स दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन लास्ट वन ईयर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड आई वुड रिकमेंड यू एज वेल इवन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट आप बिगनर हो कुछ मत करो चैट चैट जीपीटी ओपन करो रिसर्च पेपर को वहां पे डालो कॉपी पेस्ट करके या फाइल अपलोड करके और जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि रिसर्च पेपर किस बारे में है टॉप फाइव मेन ऑफरिंग्स क्या है इस रिसर्च पेपर की ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एक घंटा दो घंटा स्पेंड करो उसके ऊपर आइटरेट करो एंड यू वुड सी कि आप ऑटोमेटिकली ना थोड़ा सीख जाओगे उस रिसर्च पेपर में क्या लिखा हुआ है दो दिन और स्पेंड करोगे थोड़ा और सीख जाओगे एक हफ्ता स्पेंड करने पे आपको काफी कुछ समझ में आने लग जाता है उस रिसर्च रिसर्च पेपर के बारे में तो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस इट वुड बी अ ग्रेट रिसोर्स अगर आप फॉलो करने लगो क्योंकि मैं जानता हूं अगर सौ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डेटा साइंस जॉब के लिए उनमें से एक या दो ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ रिसर्च पेपर फॉलो करते हैं सो अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आप थोड़ा सा एलिट ग्रुप पे आ जाओगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगला जो रिसोर्स है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है अगला रिसोर्स है मेरा खुद का गिटहब प्रोफाइल क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि पिछले दो तीन सालों में जब से मैंने ये गिटहब प्रोफाइल क्रिएट किया मैंने यहां पर क्या किया कि मैं गिटहब पे जाकर के दूसरे गिटहब प्रोफाइल्स में जाकर के उनके जो रेपोजिटरीज थे उनको फोक करने लगा तो अभी क्या है कि मेरे प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे तो आपको 50 देंगी जो मैंने दूसरों से कर रखा है अब ये, जो है ना, ये बहुत अच्छी है कि अगर आप लेट्स इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो डेटा साइंस के ऊपर तो यहां पर अगर आप मेरे गिठअप पे आओगे तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ रेपोजिट्रीज जिनको आप जैसे ही ओपन करोगे ना तो आपको बहुत सारा कॉन्टेंट वहां पे मिल जाएगा जैसे यहाँ पर देखो दिस इज वन और से इसको किया है but यहाँ पर आपको काफी सारा content मिल जाएगा around data science interviews. या फिर एक और ये repository देखो लेट से आपको एमएल पढ़ना है और आपको उसको पूरा आपको उसका पूरा मैप चाहिए तो यू कैन सी यहाँ पर एम एल ऑप्स के ऊपर पूरा का पूरा एक मैप बना हुआ है अलोंग विद ऑल द रिसोर्सेस सो अगर आप मेरे गिठअप प्रोफाइल को फॉलो करते हो तो आपको ये पचास बहुत बेहतरीन गिठअप रिपोजिटरीज मिलेंगी जो मैंने पिछले तीन चार सालों में रिसर्च कर करके खोजी है गिठअप के ऊपर और ये मैं अभी भी करता हूँ मैं आज की डेट में भी गिटप पे जाता हूँ और जो रेपोजिटरीज मुझे लगता है कि मेरे लिए यूजफुल होंगी मैं उनको फोक करते रहता हूँ तो इन अ वेरी शेमलेस वे आई एम से फॉलो मी ऑन गिट आपको फायदा हो जाएगा ठीक है चलो अगले रिसोर्स पे मूव करते हैं अगला रिसोर्स इज अगेन समथिंग जो बहुत फेमस है uh, इस वेबसाइट का नाम है मशीन लर्निंग मास्टरी एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने छह महीने भी स्पेंड किए होंगे डेटा साइंस पढ़ते हुए तो आपने इस वेबसाइट का मुंह तो देखा होगा uh, बहुत फेमस ब्लॉग है ये बाय दिस गाय जेसन ब्राउनली और इस ब्लॉग की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कभी भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ लेट्स से आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लेट्स से क्लस्टरिंग तो, का इनफैक्ट यहाँ कोड में कन्वर्ट करना है, एक छोटा सा बनाना है या एक डेटा सेट के ऊपर रन करके देखना है बेसिकली आपने जो पढ़ा है आप उसको वैलिडेट करना चाहते हो तो मुझे ये ब्लॉग इस पर्टिकुलर चीज के लिए बेस्ट लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट आपने जस्ट सीखा है अब आप उसको अप्लाई करना चाहते हो तो इस ब्लॉग में आपको Uh, इस इस वेबसाइट में आपको इस तरह के हजारों ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहां पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर यू कैन सी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल डेटा सेट्स लेकर के कॉन्सेप्ट समझाए गए तो मेरा कभी भी मैं कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता हूँ उसके बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या प्रैक्टिकल ब्लॉग्स है और मैं उसको साइड बाय साइड एकदम एज इट इज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ अपने मशीन पर इट ऑलवेज हेल्प मी टू गेन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अराउंडप्टिस इज ऑल्सो ग्रेट ब्लॉग यू डेफिनेटली ट्राई दिस आउट और एक अच्छी बात यह सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है जो कोड्स वगैरह भी रहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते हैं आपको एज अ बिगनर भी समझ में आ जाएंगे ठीक है uh, चलो अगले वाले पे मूव करते हैं अगला वाला जो रिसोर्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रिसोर्स है सो कैगल आई गेस आपको पता ही होगा कैगल इज अ फेमस वेबसाइट सो uh, कैगल so ने एक डेटा सेट लॉन्च किया था कुछ साल पहले और इस डेटा सेट का नाम था मेटा कैगल सो मेटा कैगल एक बड़ा सा डेटा सेट है अराउंड सेवन जी का और इस डेटा सेट में कैगल ने क्या किया कि कैगल से रिलेटेड जितना डेटा है वो सारा रिलीज कर दिया कि कैगल पे कौन से डेटा सेट्स हैं कौन से कॉम्पिटिशन्स हैं कौन से आ, और जो भी होता है कौन से नोटबुक्स हैं ये सारा डेटा उन्होंने रिलीज कर दिया अब कुछ बहुत स्मार्ट लोगों ने क्या किया कि इस मेटा कैगल वाले डेटा के ऊपर उन्होंने एक नोटबुक क्रिएट किया और मैं आपको एक स्पेसिफिक नोटबुक दिखाना चाहता हूं सो देयर इज दिस नोटबुक जब आप मोस्ट वोट से सॉर्ट uh, करोगे तो ये एक नोटबुक आता है बहुत ऊपर डेटा साइंस ग्लॉसरी ऑन कैगल बोल के अब ये जो नोटबुक है ना ये नोटबुक खजाना है आपको डेटा साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक में जो बेस्ट कैगल नोटबुक्स उसका लिस्ट यहाँ पर एक जगह पे मिल जाएगा जैसे लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा हूँ एलएसटीएमस अब मैं कैगल के बेस्ट एलएसटीएम नोटबुक्स देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा मैं एलएसटीएमस पे क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी ये रही बेस्ट नोटबुक्स ऑन एलएसटीएम दैट आर अवेलेबल ऑन कैगन और इस तरीके से बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर्ड है यू कैन सी द ब्रेथ ऑफ टॉपिक्स यू कैन सी everything is covered just see the amount of topics the number of topics that are covered in this single notebook so i i genuinely go to this notebook quite a lot matlab kabhi bhi maine koi naya topic padha मेरे को देखना है कि भाई कैगल पे लोगों ने इस टॉपिक के अराउंड क्या काम किया है मैं मेटा कैगल पे आता हूँ इस पर्टिकुलर नोटबुक पे आता हूँ उस टॉपिक पे जाता हूँ और फिर लाइन से ये सारे के सारे नोटबुक्स ओपन करके मैं स्टडी करने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाले ने क्या करने की कोशिश की है तो ये एक पर्टिकुलर रिसोर्स है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया स्पेशली कैगल स्पेस में कम्पटेटिव डेटा साइंस के स्पेस में ठीक है तो दिस वॉज द सेवेंथ रिसोर्स नाउ लेट मी शेयर द लास्ट वन द लास्ट वन इज दिस वेबसाइट लर्निंग डॉट ओर डॉट कॉम जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता बट uh, ये बेसिकली एक पब्लिशर की वेबसाइट है Uh, इनके बुक्स आपने शायद पढ़े होंगे स्पेशली अगर आपने हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग पढ़ा होगा तो वो बहुत फेमस बुक है वो इसी पब्लिशर की बुक है अब इस पब्लिशर की अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है जहां पर इन्होंने अपने सारे के सारे जो भी बुक्स है उसका ई e बुक डाल रखा है ठीक है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत फेमस बुक है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग और ये शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा लोगों को इसके बारे में बात करते हुए तो अब ये बुक जो है ये अराउंड 2500 रुपए की है amazon पे अब लेट्स से आप 2500 रुपए नहीं खर्चना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ओरयली पे एक वेबसाइट मतलब अपना अकाउंट बनाओ 15 डेज तक आप फ्री एक्सेस आपको मिलता है आप बस स्टार्ट पे क्लिक करो और ये हमारी बुक ओपन हो गई यहां से आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो किसी भी सेक्शन पे आप जा सकते हो और आप पढ़ सकते हो यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रूपी ओर की बुक्स जनरली कॉस्टली होती हैं पंद्रह सौ दो हजार पच्चीस सौ रुपए की होती हैं तो आपको उतना पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है पंद्रह दिन आप इस वेबसाइट पे अनलिमिटेड बुक्स पढ़ सकते हो अब कल को अगर आप का पंद्रह दिन का पीरियड खत्म हो गया तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग खुद स्मार्ट हो तो जो भी है दिस इज़ वन रिसोर्स जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ मेरा थोड़ा डिफरेंट है आ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कोई बुक खरीदने का सोच रहा होता हूँ तो मैं एक बार आकर के पहले उसका ई बुक वर्जन पढ़ लेता हूँ फिर मुझे अगर वो पसंद आ जाती है तो मैं खरीद लेता हूँ तो आपके ऊपर है बट दिस हैज बीन अ वंडरफुल रिसोर्स कि उन्होंने सारी बुक्स इस तरीके से प्रीमियम uh, मॉडल में डाल रखी है कि आप कुछ दिन तक फ्री में पढ़ सकते हो फिर आपको पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे बहुत सारी किताबें अराउंड पचास हजार किताबें आप बस एक बार सर्च करो डीप लर्निंग या फिर लेट्स से मशीन लर्निंग एंड यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी और आप जाकर के उन बुक्स को यू कैन जस्ट रीड थ्रू दम ठीक है तो ये रही वो आठ रिसोर्सेज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आई एम प्रेटी श्योर अगर आप काफी टाइम से डेटा साइंस पढ़ रहे होगे तो इनमें से कई रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी पता होंगे एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि कुछ नए रिसोर्सेज भी आपको पता चले होंगे इस वीडियो के थ्रू कमेंट uh, में लिख के बताओ आपका फेवरेट रिसोर्स कौन सा है और uh, आपके अगर पर्सनल कोई रिसोर्सेज जो हमें नहीं पता वो भी आप शेयर कर सकते हो आ, कमेंट में सो दैट फ्यूचर में कोई आए तो उसको भी हेल्प हो जाए आ, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय